ऑन। नमस्कार, मैं नित्यानंद शुक्ला रिपोर्टर पोस्ट से। आज आपकी बात आपके साथ में हम कुछ मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। इसमें दो तीन मुद्दे हैं। एक है कास्ट सेंसस को लेकर, क्या कास्ट सेंसस पर लगेगा ग्रहण जो बिहार सरकार ने शुरू किया है, जिसकी मांग झारखंड में भी गति पकड़ रही थी। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को विश्व का सबसे बड़ा रिवर क्रूज का उद्घाटन करेंगे, जिसमें झारखंड भी शामिल होगा। इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और तीसरा मुद्दा है, वो है झारखंड में कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव को लेकर कमर कसी। आइए सबसे पहले बात करते हैं कास्ट सेंसस को लेकर। आज सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया कि वो उस PIL पर हियरिंग करेगा, जिसमें बिहार सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी गई है कि बिहार में जो कास्ट सेंसस दो दिन पहले शुरू हुआ है वो गलत है और ये नहीं किया जा सकता है। जो PIL है उसमें कहा गया है कि जो सेंसस एक्ट 1948 है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को केवल एम्पावर किया गया है सेंसस कराने के लिए। दूसरा, उसमें कहा गया है कि सेंसस एक्ट 1948 एस्टेब्लिशेस दैट कास्ट सेंसस इज नॉट कंटेम्पलेटेड इन द लॉ एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज नो अथॉरिटी इन लॉ टू कंडक्ट कास्ट सेंसस। दूसरा, इसमें कहा गया है कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग किया था कि बिहार में कास्ट सेंसस हो। कास्ट सेंसस कराने के पीछे का उद्देश्य है कि OBC कैटेगरी में जो लोग आते हैं, बिहार में 27% रिजर्वेशन है, उसे कहीं ना कहीं बढ़ाने का है। हालांकि बिहार में जो वैकेंसियाँ खाली हैं वो तो भरा नहीं जा रहा है, लेकिन लोगों को एक और झुंझुना थमाने की है कि हम कास्ट सेंसस करा रहे हैं और रिजर्वेशन का जो लिमिट है वो बढ़ाया जाएगा, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में सुनवाई करेगा। और जिस तरह से PIL में बातें कही गई हैं, अगर जो वो मान ली जाती है तो कास्ट सेंसस पर ग्रहण लग सकता है, क्योंकि सेंसस कराने की जिम्मेदारी केंद्र की है, किसी राज्य सरकार की नहीं है। इसलिए आप कास्ट सेंसस नहीं करा सकते हैं। दूसरा मुद्दा है, हम बात करते हैं, वो है झारखंड कांग्रेस का। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे झारखंड में हैं। आज उन्होंने पूरे कांग्रेस पार्टी के एक पॉलिटिकल अफेयर्स की मीट रामगढ़ में आयोजित की और पार्टी की झारखंड में क्या स्थिति है और 2024 में कैसे लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, इस पर कांग्रेस मंथन की। हालांकि ये माना जा रहा है कि ये रामगढ़ उपचुनाव से जुड़ा हुआ है। ममता देवी जो कांग्रेस की विधायक थी, उन्हें 5 साल सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता चली गई है और फिर कांग्रेस कमर कस रही है कि ये सीट उन्हें बची रहे। उम्मीद किया जा रहा है कि अगले 3 से 6 महीने में रामगढ़ का उपचुनाव होगा। झारखंड में ये 5वां उपचुनाव होगा जब से 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है। अभी तक जो 4 उपचुनाव हुए हैं उसमें दुमका और मधुपुर, इसमें दोनों JMM की सीटिंग सीट्स थी और JMM ने दोनों सीट ही जीती। दूसरी तरफ कांग्रेस के 2 सीटिंग सीट थी, बेरमो और मांडर। बेरमो में राजेंद्र सिंह वहाँ से विधायक थे, उनकी मौत के बाद सीट खाली हुई थी, वहाँ से उनके बेटे वहाँ से सीट जीत गए थे। मांडर से भी कांग्रेस के सीट था, जिसे कांग्रेस दोबारा जीतने में सफल रही है। ये जो है चुनाव कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल वारफेयर के रूप में देखा जा रहा है, चूँकि BJP 2019 में चुनाव हारने के बाद उपचुनाव में BJP कहीं ना कहीं हार का ही सामना देख रही है। और ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि चाईबासा में अभी अमित शाह आए थे
और वहाँ पर उन्होंने 2024 के चुनाव का बिगुल फूका। पार्टी कार्यकर्ताओं में उन्होंने एक नई ऊर्जा देने की कोशिश की। तो देखना ये हो दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और बीजेपी की जो लड़ाई फिर आपको रामगढ़ में होने वाली है, इसमें अमित शाह का मंत्र काम आता है या जो अविनाश पांडे आकर अपनी योजना बना रहे हैं वो सफल होते हैं। आज झारखंड में एक महत्वपूर्ण दिन रहा। झारखंड में दो दिग्गजों का आज जन्मदिन है। जी हाँ, एक दिशम गुरु श्री शोभी सोरेन, जिन्होंने झारखंड की लड़ाई लड़ी, 8 बार एमपी रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे झारखंड के, आज उनका जन्मदिन था, जिसे उनके परिवार और पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा धूमधाम से मोराबादी अवस्थित मैदान आवास में मनाया गया, जहाँ पर मुख्यमंत्री, उनके भाई बसंत सोरेन और अन्य लोग मौजूद थे और काफ़ी धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड के बाबूलाल मरांडी जी का भी आज जन्मदिन है। हालांकि उनके जन्मदिन पर इस तरह के किसी भी कार्यक्रम की झारखंड में नहीं हो, पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मदिन केक काट कर मनाया और बाबूलाल के फोटो को केक खिलाया गया। जन्मदिन एक बहाना होता है लोगों से मिलने जुलने का और अपना शक्ति प्रदर्शन करने का। गुरुजी 79 साल के हो चुके हैं, वहीं बाबूलाल मरांडी 65 साल के हो चुके हैं। ईश्वर से कामना है कि दोनों लंबी उम्र जिए और झारखंड में उनकी आने वाले समय में और भूमिका महत्वपूर्ण हो। आखिरी बात हम करते हैं वो है 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये लगभग 3200 किलोमीटर का होगा और ये लगभग 51 दिनों में लगभग 50 टूरिस्ट स्पॉट्स को कवर करेगी, जिसमें झारखंड भी शामिल होगा। ये गंगा नदी पर जाएगी, बनारस से शुरू होगी और आसाम तक जाएगी बांग्लादेश होते हुए, जिसमें जो गंगा नदी साहेबगंज से होकर गुजरती है वो भी 50 टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक होगा। ये उम्मीद किया जाता है कि जब ये क्रूज होगा तो इससे झारखंड के इकोनॉमी को भी एक बल मिलेगा, क्योंकि रिवर क्रूज जो हैं उस वो एक्टिविटीज टूरिज्म के साथ साथ अन्य व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ाएगा, उससे कहीं ना कहीं झारखंड के इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। आप देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट, फिर हम कल मिलेंगे कुछ और मुद्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।